हैं। हेलो, नमस्ते। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं पिंकी जी? आप शहर का नाम बता दें। बनारस से बोल रही हूँ। बनारस? अरे मेरा बहुत मन है बनारस आने का, आपके वहां के घाट देखने का बहुत इच्छा है मेरी। आई होप कभी आऊंगा जरूर जरूर आइएगा मैं। सर। हाँ जी, क्या सर, सवाल है एक आपका, बार और भी बताएं। आपसे एक बार मैंने और भी बात किया था अच्छा, ठीक है, तो फिर अब क्या रह गया बताओ। आपने मेरी जो बातों सर। की मैं तारीफ तो करी। खुश हूँ आपके, जो आपने बताया रेमेडीज से, मैं बहुत खुश हूं। एकदम मेरा क्लियर हो गया। अच्छा, तो तो कितने साल से मैंने था आपको पिगमेंटेशन, कितने साल से था ये? 11 साल से था, अच्छा, और डाइट कितनी देर तक आपने फॉलो की, कितनी, कब रिजल्ट एक मिला? साल हो गया है, एक साल लगाया अच्छा, पूरे एक है। साल में पूरा कंप्लीट हो गया आपका, है? एकदम कंप्लीट, एकदम लग रहा होगा, आप दिख रहा होगा, कुछ है नहीं। पूरा हाँ, ग्लो दिख रहा है मुझे। अच्छा, ये सब था। तो जो लोग देख रहे हैं, बताएं जरा आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं अपनी जिंदगी में, डाइट में, जो ये ठीक हो गया, कैसे ठीक हो गया, बताएं जरा अपनी कहानी। सर, जैसे हम सुबह उठ के पानी, नींबू पानी लेते हैं, फिर टहलने जाते हैं, टहल के फिर आके घर में एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज करने के बाद फिर वो हम फ्रूट, पहले फ्रूट खाते हैं, कोई भी एक अच्छा फ्रूट खा लेते हैं। फिर उसके बाद ओट्स में ही वो चिया सीड्स और जो भी ड्राई फ्रूट्स है सब उसी में डालकर थोड़ा सा वो करके, फिर वो मैं नाश्ते में सिर्फ वही लेती हूँ। फिर अच्छा उसके ठीक है। बाद फिर दोपहर में सर वही सलाद और एक रोटी और सब्जी ज्यादा लेती हूँ। सब्जी मात्रा ज्यादा करती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पालक और यही सब्जी लेते हैं। अच्छा, फिश ऑयल रात में लेते हैं, फिश ऑयल और वो विटामिन सी वाली भी अमाइड ऑयल। लेते हैं अच्छा जी सर। ठीक है। हाँ तो सर, रात में भी एक रोटी और फल और यही सब सलाद उलाद ही लेते हैं। चावल भी, मतलब हफ्ते अच्छा में एक आध बार आपने बोला था कि हफ्ते में कुछ भी खा सकते हैं, तो हफ्ते में खाते हैं जरूर। पहले अच्छा ठीक ये है। था कि नहीं जाएगा, ऐसे ही है ऐसे ही है, पर जब देखते थे ना तो पट रहे थे अंदर से, तो फिर ये वह नहीं, ये अच्छा, सही है अब। विश्वास करने लगा। हाँ, क्योंकि मतलब शीशा लेके पास से देखते थे, नहीं अब फट रहा है, अब यकीन है जाएगा। अच्छा, सर और इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या किया, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई आपने? जी सर, फिजिकल मेरा सुबह का रूटीन हो चुका है। पानी पीकर मैं टहलने जाती हूँ कम से कम 3-4 किलोमीटर, फिर वहां से आने के बाद कम से कम हाफ एन आवर मैं एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूरा पसीना पसीना हो जाती हूँ, मतलब तो ये है कि हाँ अच्छा, सर। तो हाँ जो लड़कियां कहती हमें पसीना नहीं आता, प्लीज उनको बताएं जरा कैसे आता पसीना, बताएं जरा उनको। नहीं, क्या होता है ना, पहले हम पहली बार जो हम करते हैं तो ये होता कि अब हम थक रहे हैं, अब वो हमें वो अजीब सा मतलब प्रॉब्लम होता है। फिर बाद में वो क्या होता है सर, वो हम करने लगते हैं तो वो हमें रूटीन, मतलब ये हो जाता है कि अब वो हम कर सकते हैं। अच्छा पहले हम भी करते थे सर, तो ये होता था कि नहीं अब हमसे नहीं हो रहा, मतलब थक जाते थे कि अब सुबह, फिर दिन भर का हमें काम भी करना होता है, बच्चों को स्कूल है, फिर हस्बैंड को, तो थक जाते थे, पैर में दर्द होने लगती थी। एक आध दो मैंने ऐसे हुआ सर, पर अब मैं अपने बहनों को भी बोलती हूँ, भले तुम लोग को कुछ नहीं है फिर भी तुम फिजिकल एक्टिविटी करो, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा है। अब ऐसा लगता है कि ना थकान है ना कुछ है, कुछ भी काम कर लेते हैं, जैसे पहले सो के उठने पे ऐसे दर्द देता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, अब चलिए, एकदम सही बहुत लगता अच्छी बात, बहुत है। बढ़िया थैंक यू बहुत सर, बढ़िया। आपको थैंक यू, क्योंकि आपने चलिए, किया बहुत बहुत ये। शुक्रिया थैंक आपका। यू देखिए, सर। जरा तो आप, मैंने तो खाली आपको रास्ता बताया, उस रास्ते पे चल के आप गई हैं, दर्द आपका यही है, लेकिन सर आपने रास्ता इतना बताने वाला ही अच्छा गुरु किया। है। बहुत बहुत शुक्रिया, सर बनारस बहुत आइएगा अच्छा लगा तो आपसे जरूर बात करके। आइएगा। हाँ जरूर जरूर, मैं जब भी आया मैं स्टोरी डाल दूंगा, आप मुझे जरूर कांटेक्ट करिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप ऐसे ही खुश रहें जीवन में, मेरी बस यही कामना है आपसे। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू आपका, सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ये थी पिंकी सिंह जी बनारस से, और एक साल के अंदर इनका जो झाइयां है वो 100%
खत्म हो गई हैं, शी इज वेरी हैप्पी। देखा उन्होंने कितने अच्छे से बताया, जिन लोग जो लड़कियां कहती कि हमें पसीना नहीं आता, उन्होंने कैसे बताया वो थक जाती थी उसके बावजूद वो फिजिकल एक्टिविटी पे अटल रहती। तो ये होता है अप्रोच। अगर आपके पास ये अप्रोच नहीं है तो आपका भी ठीक नहीं होगा दिन जल्दी, आपको बताऊं, ठीक है? तो मेहनत जरूर करें, फिजिकल एक्टिविटी पे हमेशा फोकस करें। आप में से 99% जितने लोग हैं उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी होती है, फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इन दो चीजों पे जरूर फोकस करें। दीपिका जी, चलिए दीपिका जी आपको लाइव देते हैं, आपकी फोटो तो लगी कम से कम।